नमस्कार, आप ये वीडियो देखिए कैसे राहुल गांधी को एकदम मतलब जोकर ही की बना दिया गया। हमें बुरा लगता है सारी चीजें देखकर। इतना भी किसी को अपमानित मत करिएगा कि हर चीज में आप उसको मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो एक युवा है, हुनार व्यक्ति है, जो पूरे भारत को जोड़ने के लिए कार्य कर रहा है, आप उसको एक जोकर की तरह देख रहे हैं। हमें मतलब क्या बोले, हमें ना यहाँ तकलीफ होती है सारी चीजों को देखकर। आप देखिए कैसे एक व्यक्ति, कैसे उसकी मजाक उड़ा रहा है। उस व्यक्ति का बुरा लग रहा है, हमें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। या पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। संदीप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार संदीप जी, बताइए कौन सा स्टॉप। नमस्ते मैडम। नमस्ते सेठ साहब। जी पूछिए सवाल। मैं मेरे पास में मैडम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की 1500 शेयर्स है, खरीदे मैडम उसकी 1260 रुपए की। अरे मैडम लॉन्ग पीरियड, जब कब तक तक राहुल डालने गांधी चाहिए आप स्टॉक इस प्रधानमंत्री पर? जब तक मैडम राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो आराम से रख सकता हूँ मैं। कब तक का टारगेट रखा है आपने इसमें बने रहने का? मैडम जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ इसको। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ये वीडियो देखो भाई क्या बोल रहा है। नाम ये सबसे अफजल है और इस जैसा मजहब कोई भी नहीं है। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये हमने अपने तक रखना है, जब हम ये बात करेंगे तो दूसरे मजहब वाले दिल उनका दिल नहीं दुखेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हमारा मजहब बहुत और मैं कब कह रहा हूँ नहीं ठीक। आप ये देखें यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं, जो उन्होंने ये जो भी चीजें ईजाद की है सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है। मुसलमानों से लिया उन्होंने, हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ ईजाद किया है। टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से। हम इस्लामी कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में? यही तो भाईजान, यही तो बात है कि हम लोग खुद ही गलत है इसमें। वो हमारी चीजों को अपना के वो कहाँ के कहाँ तरक्की कर चुके हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो जनाब आप देख लें भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आप बताए। अच्छा लॉजिक दे, मुझे ये समझ नहीं आया। ये देखें अगर टेक्नोलॉजी सारी इस वजह से आई होती तो शायद फिर हमें भी थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए था। मोबाइल हम जो था वो गोरों का यूज कर रहे हैं, ये माइक भी गोरों का यूज कर रहे हैं, कैमरा भी गोरों का यूज कर। ये बोल रहा है कि सारी दुनिया इस्लाम से साइंस सीख रही है। बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। बस जो दुनिया को चपटी मानकर चल रहे हैं वो साइंस की बात कर रहे हैं अपने आसमानी किताब से। बोल रहे हैं कि सारी दुनिया को साइंस हमारी आसमानी किताब से मिली है। हम क्या ही बोले अब, हाँ हमारे पास शब्द नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं। ये अब्दुल चचा की मानसिकता सुनिए। एक पैर कब्र में है लेकिन इनको फिर भी अपने जिहाद को लेकर बकैती पेल ली है। ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनेगा तो उनके फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी टॉप कर गया, तुम्हारी मस्जिद ढा दी ऐसी, वो ढा देंगे मार के ला। तब तो बदला है, इसमें क्या है? वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहां राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। राम और भगवान तो बहुत सारे, इन्हें कहाँ कहाँ तक पूछता फिरूंगा मैं। इसका बदला जो है वो जरा खड़ा पड़ेगा। राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी, और मंदिर बहुत है, उसे बढ़ा के बनाते थे। ओवैसी वाली बात कर रहे हैं कि बाबरी सीने में महफूज है, इसका बदला लिया जाएगा प्रधानमंत्री का। मंदिर तो मंदिर ही रहेगा मगर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये चाचा बोल रहे हैं कि राम मंदिर शहादत का बदला लिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी। तो आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं। बाकी आप कितना भी सेकुलरिज्म का झुंझुना बजा लीजिए, इनकी मानसिकता में फर्क नहीं आएगा। ये जो आसमानी किताब को अपने सर पर चढ़ाकर चल रहे हैं ना, इनकी यही मंशा है। ये जहां विवाद नहीं रहता वहां भी विवाद इकट्ठा कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये जहां भी जाते हैं इनको फसाद करना आवश्यक होता है। पूरे विश्व में आप घूम के देख लीजिए, इनकी जहां आबादी ज्यादा रहेगी वहां ये कुछ ना कुछ अपवाद पैदा कर लड़ना चाहते हैं। ये हमेशा अपने आप को लड़ते रहना चाहते हैं, पता नहीं किस चीज से लड़ते रहना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ फसाद खुद ही पैदा करेंगे और खुद ही फिर अपने आप को विक्टिम बताने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ ये चाचा की मानसिकता सुनिए, आप समझ जाएंगे कि ये आसमानी किताब वाले किस प्रकार की मानसिकता को लेकर चलते हैं। और आप कितना भी सेकुलरिज्म का झुंझुना बजा दिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेकुलरिज्म लेकर चढ़िए, ये अपने मन में जिहाद की कल्पना लेकर चले रहेंगे। जुल्फिकार अली
महाराष्ट्र के ISIS मॉड्यूल में पकड़े गए। टैक्स सेवी है, टैक्स सेवी का मतलब समझते हैं, सीनियर मैनेजर है भाई साहब, टैक्स सेवी नहीं है, सीनियर मैनेजर है IT कंपनी में। 3 लाख रुपए महीने का पैकेज है इनका, पुणे में काम करते हैं। 3 लाख रुपए महीने का पैकेज, पुणे में काम करते हैं। किसमें पकड़े गए? ISIS के मॉड्यूल में, आतंकवाद में पकड़े गए। पढ़ा लिखा इंजीनियर, 3 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह पाने वाला। 3 लाख रुपए महीने का मुझे कोई दे दे भाई साहब, मैं भजन करूं बैठ के, ये ISIS में जा रहे हैं कमा। इनसे भाईचारा की उम्मीद रख सकते हैं? हम तो पहले से पता है कि इनसे भाईचारा की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, जागरूक करने के लिए है, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता को आपको भी पता चलनी चाहिए कि ये कैसे अपने अंदर घृणा पाल कर रखे हैं, समझे। बाकी आपको बात सही लगी तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लगी तो शेयर कर दीजिए, किसी और को ठीक लग जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।